Hello students, let's solve this question. A number from 2 to 13 is chosen at random. What is the probability that the number chosen is not even? Okay, so क्या मतलब है इस question का? इस question का मतलब ये है कि आपके पास कुछ number है 2 से लेके 13 तक, तो आपने उनमें से एक number को randomly choose किया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? नॉट इवन नंबर की, मतलब जो आप नंबर चूज करेंगे वो इवन नहीं होना चाहिए, इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन इज टू, जो नंबर्स हमें गिवन है हम उनको लिख लेंगे, फोर एंड अप टू 30। ऑलराइट, सो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम सॉल्यूशन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, वही अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ऑलराइट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर। सबसे पहले हम इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो देख लेते। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते, तो हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर कितनी है? 6। ऑलराइट, और टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 12। तो लिख लीजिए टोटल आउटकम्स फ्रॉम 2 टू 13, फ्रॉम 2 टू 13 क्या आ जाएगा? इट इज 12। ये हमारे टोटल नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो जाएगी? दिस विल बी 6/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सो इट इज 6/12, और इसको कैंसिल करेंगे आप तो इसको आपको मिल जाएगा 1/2, राइट दिस। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी of getting not an even number, okay? तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक फॉर्मूला हुआ करता था या एक रिलेशन हुआ करता था किस चीज का। देखिए, लेट्स से कि P इज अ प्रोबेबिलिटी, ओके, P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, एंड P डैश इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट। फिर से मैं बताता हूं, P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड पी डैश इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट। तो अगर आप इन दोनों का सम करते थे तो आपका रिजल्ट आता था 1। इज इट क्लियर? अब हमारे पास पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर तो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवन नंबर अब हम इसकी रिलेशन की हेल्प से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो हम यहां कह देते हैं पी डैश गेटिंग Not an even number, not an even number. तो किसके इक्वल हो जाएगा? This will be equal to 1 minus p from this, isn't it? तो अब हम इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं और देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। सो हम यहां से कह सकते हैं इट इज 1 माइनस 1/2, बिकॉज p वैल्यू इज 1/2, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 अगेन। ऑलराइट, सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर होगी वो भी 1/2 ही होगी। तो चलिए लिख देते हैं, देयरफॉर सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूं। देयरफॉर P
देयरफॉर पी डैश यानी प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर इज 1/2. ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. थैंक यू.